हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमी किचन। घर पर अचानक गेस्ट आ जाते हैं या कभी भी स्वीट्स खाने का मन करता है, तो कैसे हम 10 मिनट के अंदर घर पर रखे हुए कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ हम फटाफट डेजर्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं, आज यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। इंस्टेंट डेजर्ट बनाने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 के अंदर 2 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी लेंगे और साथ में इसमें 2 चम्मच मलाई मिक्स करेंगे। मलाई जो अक्सर हम घर में ही दूध से निकालते हैं, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसके प्लेस पर फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मिक्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो इसमें 1 चम्मच दूध भी ऐड कर लेंगे। हमें दूध बिल्कुल नॉर्मल यूज़ करना है। जब भी हम इस डिश के अंदर दूध का यूज़ करेंगे तब हम हमेशा नॉर्मल दूध यूज़ करेंगे, ना हमें ठंडा दूध यूज़ करना है ना हमें गर्म दूध यूज़ करना है। ये देखिए तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप में हम सबसे पहले 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले लेते हैं। अब इसमें 1 कप नॉर्मल मिल्क मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी मिला लेते हैं और 1 चम्मच केसर वाला दूध मिक्स कर लेते हैं। मैंने केसर को थोड़ी देर के लिए गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। अब इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस यूज कर लेते हैं। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसे थिक ही बनाना है, ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये एक तरीके से हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देते हैं, जब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में सबसे पहले हम 1/2 कप मिल्क लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। पाउडर शुगर को और मिल्क को अच्छे से मिक्स करके अब इसे साइड में रख देते हैं। अब हम कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ले लेते हैं। सबसे पहले इनके किनारे कट करके अलग कर लेते हैं। ब्रेड की स्लाइस आप सीजर या नाइफ किसी की हेल्प से भी अलग कर सकते हैं, वैसे सीजर की हेल्प से जल्दी और अच्छी कट जाती हैं। जो हम ब्रेड के किनारे कट करके अलग कर रहे हैं उन्हें हम फेंकेंगे नहीं, किसी भी स्नैक्स में ड्राई रोस्ट करके इन्हें ब्रेड क्रम्स की तरह यूज़ कर लेंगे। अब एक ब्रेड की स्लाइस लेते हैं और एक ग्लास। ब्रेड पर ग्लास रखकर प्रेस करेंगे और एक सर्कल की शेप बना लेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर 4 पीसेस सर्कल की शेप भी तैयार कर रही हूँ, बाकी मैं ट्राइंगल शेप के बनाऊँगी। आप ब्रेड को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अब जो मलाई से मिक्सचर बनाया है उसे ब्रेड की स्लाइसिस पर स्प्रेड कर देते हैं और मिक्सचर को अच्छे से फैलाते हुए फुल ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे और जो हमने गोल शेप बनाकर तैयार की है उस पर भी हम मिक्सचर को अच्छे से फैला देंगे। देखिए सारी ब्रेड की स्लाइसेस अच्छे से कवर कर दी हैं हमने मिक्सचर के साथ में। अब ये तैयार है, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। जो दूध और चीनी का घोल बनाया था उसे अपने ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे ताकि ब्रेड हमारे अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसके ऊपर हम अपनी ठंडी रबड़ी भी स्प्रेड कर देते हैं। ये देखिए हमारी इंस्टेंट डेजर्ट बनकर तैयार हो गई है। तो बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये इंस्टेंट डेजर्ट रेसिपी, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।